Hi guys, welcome back to my channel. My name is Tanya and I make content on fun DIY art stuff. So if that's something you're interested in, please consider subscribing. And without any further ado, let's dive into the video. So aaj ke video mein I am going to make few bookmarks and ye sabhi bookmarks ka jo process hai wo kafi different hai ek dusre se. So yes, without wasting much time, let's dive into the process. ओके सो फर्स्ट बुकमार्क बनाने के लिए हमको चाहिए एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, सम एक्रेलिक कलर्स एंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक पॉलिथीन. अब मैं कलर्स को पॉलिथीन पर रैंडमली स्प्रेड करूंगी. यू कैन ऑल्सो यूज वाटर कलर्स और पोस्टर कलर्स. नाउ सिंपली प्लेस द पॉलिथीन ऑन द पेपर एंड सारा प्रिंट हम पेपर पर ट्रांसफर कर देंगे. इससे एज यू कैन सी एक काफी ब्यूटीफुल पैटर्न पेपर पर इम्प्रिंट हो जाएगा. अब मैं एक ब्लैक मार्कर को यूज कर इस पर रैंडमली डूडलिंग करूंगी. आपका जो मन आए आप बना सकते हैं. यहाँ पे मेरा लिटरली जो मन कर रहा है मैं बनाई जा रही हूँ. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग प्रोसेस है. लास्टली एक होल पंच करके उसके थ्रू हम रिबन अटैच करेंगे. एंड यस, आवर बुकमार्क इज रेडी टू यूज. अमेजिंग. ऑलराइट, सो नेक्स्ट मैं बनाऊंगी एक 3D बुकमार्क. 3D बुकमार्क बनाने के लिए मैं लूंगी मोल्डेड क्ले. उसके दोनों एलिमेंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. देन क्ले को मैं स्ट्रक्चर देना शुरू करूंगी. ऑल्सो क्ले के बीच में आई एड अ पॉप्सिकल स्टिक सो दैट वो हमारे बुकमार्क का बेस बन जाए. अब मैं इसको एक प्लास्टिक ट्रे पर रखूंगी एंड बाकी एलिमेंट्स भी ऐड करूंगी. एंड इसको फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे. वंस इट्स कम्प्लीटली ड्राइड, आई स्टार्ट विद द पेंटिंग पार्ट. अब यहाँ पे मैं इसका बॉडी, फेस, आईज को पेंट करूंगी. पेंट ड्राई होने के बाद एक बोल्ड मार्कर को यूज करके मैं बॉडी पर पोल्का डॉट्स बनाऊंगी. एंड दैट्स इट, आवर बुकमार्क इज रेडी. लुक हाउ क्यूट इज दिस, राइट? ऑलराइट, सो नेक्स्ट बुकमार्क बनाने के लिए मैं लूंगी एक पीस ऑफ पेपर एंड आई स्टार्ट टेयरिंग इट फ्रॉम ऑल द साइड्स. वंस टेयरिंग इज डन, आई टेक सम गोल्ड मेटालिक पेंट एंड उसको मैं सारे एजेस पे अच्छे से लगा दूंगी. एंड एज यू कैन सी, इससे काफी क्लीन एंड रॉयल लुक आया है. उसके बाद मैं लूंगी ट्रांसफर शीट एंड इसको हम नीटली कट आउट कर लेंगे. अब ये ट्रांसफर शीट पर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है तो उसको हम रिमूव करेंगे एंड देन हमारे बुकमार्क के बेस पर अपसाइड डाउन प्लेस कर देंगे. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश हम जो भी कट आउट किया है उस पर वाटर डैप करेंगे. मेक श्योर आप ज़्यादा वाटर यूज ना करें. नाउ यू कैन सी हमारा जो डिज़ाइन है वो पेपर पर ट्रांसफर हो गया है एंड एक्सेस पेपर हैज कम आउट एंड दैट्स इट. अमेजिंग. मेक बुकमार्क नंबर 4. तो इस बुकमार्क में आई विल डू अ लिटिल बिट ऑफ जर्नलिंग. तो आई विल स्टार्ट बाय टेकिंग अ जूट क्लॉथ. उसके बाद आई विल टेक फ्यू ब्लैक एंड व्हाइट पीसेस एंड उनको टेयर करके इधर उधर लगा देंगे. देन आई विल ऐड सम डॉयलीज. उसके बाद क्राफ्ट पंचेस को यूज करके फ्यू कटआउट्स कर लेंगे एंड लुक एट दैट स्माइली. तो उसके बाद आई विल ऐड फ्यू व्हाइट पीसेस. मेरे पास ना ये स्टैम्प सेट था बट इसका इंक पैड खराब हो गया था तो विल यूज अ हैक हियर. तो मैं क्या करूंगी ना, पेंट ब्रश को यूज करके एक्रेलिक पेंट को लेटर्स पर केयरफुली लगाऊंगी एंड देन उसको स्टैम्प कर देंगे. एंड दिस हैक लिटरली वर्क लाइक मैजिक. लास्टली विल ऐड अ जूट रोप ऑन टॉप एंड आवर बुकमार्क इज रेडी. करूंगी बाय टेकिंग टू प्रिंटेड पेपर्स. एक पेपर में आई विल कट अ विंडो एज शोन. अब उस विंडो को कवर करने के लिए आई विल ऐड अ ट्रांसपेरेंट एसीटेट शीट. उसके बाद एजेस में आई विल स्टिक सम डबल साइडेड टेप. नाउ आई विल टेक सम फ्लोरल सीक्वेंस एंड दूसरे पेपर के सेंटर में रख देंगे. अब जो टेप वाला पीस बनाया है उसको इस पर स्टिक कर देंगे एंड आवर बेस शेकर इज रेडी. अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी यूजिंग सम टैग्स एंड स्टिकर्स. सिंपली डेकोरेट इट एंड दैट्स इट, आवर शेकर बुकमार्क इज रेडी. यहाँ पर मैं बना रही हूँ रेजिन बुकमार्क. तो इस बुकमार्क के लिए मैंने रेजिन एंड हार्डनर का मिक्सचर रेडी किया एंड उसको मोल्ड में केयरफुली पोर कर दिया. उसके बाद उसमें मैंने ड्राइड फ्लावर्स ऐड किए एंड देन उसको सेट होने के लिए छोड़ दिया फॉर 24 आवर्स. बुकमार्क सेट होने के बाद हम उसको डीमोल्ड कर लेंगे एंड देन आई विल ऐड अ टैसल एंड दैट्स इट, आवर रेजिन बुकमार्क इज रेडी. अमेजिंग. Alright, that was it for today's video, guys. I hope video अच्छा लगा हो. अगर video अच्छा लगा है तो like, share, subscribe, do all the good things that you can. And I'll see you in my next video. Until then, stay positive, stay creative. Bye.